दोस्तों बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो एचआईवी का, उसका क्या फायदा है, उसका कोई रिजल्ट भी है कि नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 1 महीने का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और उसको विद इन 1 मंथ उसका जो CD4 है वो डबल हो गया। जी हाँ, उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा आगे, कि उसकी जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका जो CD4 है डबल हो गया, वो भी विद इन 1 मंथ। उसके अंदर बाकायदा डेट भी है, ठीक है। और पेशेंट की नाम तो खैर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। हम किसी पेशेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी रेपुटेशन होती है, हर इंसान की एक अपनी इज्जत होती है। सो ये चीज का खास हम ख्याल रखते हैं। पर इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो और बनाया हुआ था, जहां पे मैंने ये सबूत भी दिखाया था कि भैया हमारा एक पेशेंट था जो कि पहले पॉजिटिव था, वो बाद में नेगेटिव हो गया। उसकी बकायदा रिपोर्ट, पेशेंट का इंटरव्यू तक मैंने आपको दिखाया। कुछ पेशेंट होते हैं जो कि अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार होते हैं, तो उस पेशेंट ने इंटरव्यू देने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने उसका इंटरव्यू आपको दिखाया। पर और भी आगे ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगा उसके लिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि भी जो CD4 है वो डबल हो गया। सो आपके जो ये रिपोर्ट्स हैं अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। ये जो रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट, इसकी पहली रिपोर्ट है जहां पे इसका जो CD4 है वो कम था, जो कि 200-250 के आसपास था, ठीक है। फिर जब हमने इसको ट्रीटमेंट दिया तो विद इन 1 मंथ इसका CD4 जस्ट डबल हो गया। वो भी सिर्फ 1 महीने की रिपोर्ट है, बकायदा इसके अंदर डेट आप देख सकते हो, ठीक है। ये 6 मंथ की रिपोर्ट है और दूसरी जो रिपोर्ट है वो 7 मंथ की, यानी 7वें महीने की रिपोर्ट है, 2020 की, ये दोनों रिपोर्ट, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि भैया हमारी दवाइयों के रिजल्ट कितने कारगर है, कितने जबरदस्त इसके रिजल्ट है। CD4 विद इन 1 मंथ। ART का जो पेशेंट ले रहा है उनके वो सालों लेते हैं, फिर उनका CD4 500 से नीचे होता है, फिर भी उनका CD4 500 से नीचे होता है, पर हमारी दवाइयों से उस जो पेशेंट के CD4 तुरंत उसके रिजल्ट है वो मिलता है, और जो कैसी भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, लक्षण आ रहे हो चाहे वो HIV के, वो तुरंत कंट्रोल में करता है, ताकि पेशेंट अपना जो लाइफ है वो नॉर्मली जी सके। उसको मतलब अगर आप 3 महीने तक दवाई लेते हो, 3 महीने में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके शरीर में HIV है, इतना ज्यादा हेल्दी आपको शरीर को कर देता है वो। HIV रहेगा, उसका तो ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा, साल 1.5 साल लगेगा, जैसे ही मैंने पहले आपको वीडियोज में बताया, पर वो आपको इतना हेल्दी कर देगा कि वो आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकोगे, आराम से अपना जो रूटीन वर्क है वो कर सकोगे। तो ये जो सबूत था कि भी हमारी दवाइयों के रिजल्ट इतने इफेक्टिव होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं कि विद इन 1 मंथ आपका जो CD4, आप CD4 तो सीधी सी बात, आप सब अगर आप HIV पेशेंट जो भी है तो उनको पता होगा CD4 एक हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। अगर हम CD4 बढ़ता है तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, CD4 घटता है तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तभी CD4 हमारा घटता है। HIV के अंदर CD4 ही हमारा घटता है। तो HIV अगर आपका CD4 200 से नीचे आ गया है तो आपको एड्स हो जाता है, तो यही CD4 का रोल होता है। तो मैंने आपका वीडियो सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि भाई हमारे जो, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि ना आप फर्जी वीडियो फर्जी बनाते हो, झूठ बोलते हो, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो मैं बकायदा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हर पेशेंट तो तैयार नहीं होता कि भाई आप उनकी रिपोर्ट को मतलब आगे सबको दिखाएं। पर कुछ पेशेंट होते हैं जो भी बोलते हैं ठीक है भैया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, पर आप रिपोर्ट्स दिखा सकते हो, तो इसलिए मैंने ये रिपोर्ट्स दिखाई है, अदरवाइज हर किसी के हम आगे शेयर भी नहीं करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको सही लगा तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें, क्योंकि इलाज इसका पॉसिबल है अब। जी हाँ दोस्तों, सो वीडियो आपको सही लगा तो इसको प्रेस लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।